वेल प्लेड बाय द एक्टर आल्सो एंड वो जो मूव बनाई है डायरेक्टर ने वो मूव भी बहुत अच्छी थी. रद लाइक आई यूज अ वन वर्ड फॉर एवरी प्ले दैट आई स्टार्ट कमेंटिंग ऑन इज स्मिटन. आई एम एक्चुअली टोटली स्मिटन. मुझे सिनेरियो बहुत फ्रेश लगे हैं, मज़े के लगे हैं, कास्टिंग अच्छी लगी है. उसने कपड़ों की फिक्र की है ना उसने बालों की फिक्र की है. आई लव द वर्ड रद राइटर का सबसे पहले क्योंकि वो अभी तक हमें खुल के नहीं बता रही कि ये लड़का जो है ये किसी दिन हमें हाँ और हमें डर में रखा हुआ है कि ये लड़का अब आज तो करेगा कुछ बुरा. जब उसने वो फूलों की लड़ी और ये लिखा हुआ होगा क्योंकि ये लिखा हुआ होगा यकीनन कि उसने फूल पे हाथ डाला और फूल टूट के उसके हाथ में आए. राइटिंग देखो वो कहती है कि तुम किसके मैं किसी और की बीवी थी तब भी ये सोचा. वो कहता है अभी क्या सोच रही हो, किसके बारे में सोच रही हो. उसने कहा कि किसी के नहीं, सोचना भी नहीं. राइटिंग है ना, वेरी वेल प्लेड बाय द एक्टर आल्सो एंड वो जो मूव बनाई है डायरेक्टर ने वो मूव भी बहुत अच्छी थी. फूल कहां से उसने तोड़ा, कहां वो चल के आया, कहां वो बैठ गया. इवन सीन में शॉट, जब वो शॉट होता है तो वो यूं दरवाजा बंद कर रहा होता है, फिर वो खिड़की में जाता है शॉट और फिर वो आपको अंदर लाइक दैट वाज लाइक सीन एक्चुअली वेल डन. जाने जहां जिसको हम मोस्टली एक्लेम भी कर रहे हैं अब बहुत अरसे से. और रद a breath of fresh air and the yes. one word that I will use for Radh like I use a one word for every play that I start commenting on is smitten. I am actually totally smitten by the way it is shot, by the way people are performing in it, by the way the writer has crafted the scenarios. Bilkul. Mujhe scenario bahut fresh lage hain, mazay ke lage hain. कास्टिंग अच्छी लगी है. सबसे अच्छी चीज़ शहरयार मुनव्वर मुझे लगे हैं बिकॉज एक एक्टर ने बहुत अनअस्यूमिंगली अपना कैरेक्टर पहना है, ना उसने कपड़ों की फिक्र की है ना उसने बालों की फिक्र की है. आई लव द वर्ड रद, याद ही रह जाएगा ना, मुश्किल नाम नहीं है. डायरेक्शन में एक आध जगह और है, राइटिंग में सिर्फ एक जगह है. विल कम टू दैट व्हेन वी कम टू दैट. फॉर नाउ दिस इज माय एक्चुअली थ्री थम्स फॉर द डे. Well done, team. Rad, yani idhar se three thumbs. एक जगह, सिर्फ एक जगह थी जहां मुझे लगा ये बेहतर हो सकती थी. वो ज्वेलरी शॉप सीन था. आपने भेजना था, आपने मिलाना हाँ. था अपनी लड़की को और लड़के को मिलने से पहले, रिश्ते से पहले, ठीक है ना. तो ठीक था, आप ज्वेलरी शॉप में ले गए, वहां पे वो आ गया और वो बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी कि ये देखो ये ऐसे भी आदमी होते हैं, लड़के होते हैं जो कि बगैर माँ बाप के लेकिन लेने आया है, पता नहीं किसके लिए लेने आया है और वो कितनी लकी है जिसके लिए लेने आया. ये सब यहाँ तक ठीक था. उसके बाद वो लड़की हमारी जो है हेडस्ट्रॉन्ग, बिल्कुल है, हम मानते हैं और हम वी लाइक हर फॉर दैट, वो जाती है उस लड़के के पास और जाके कहती है आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद है, ये इनको ये पसंद है, ये दे दें. ऐसे नहीं होता. आप जा सकती थी उसके पास और आप जाके कह सकती थी आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप यू नो हम आपकी ये बात एडमायर कर रहे थे कि आप शॉपिंग करने आए हैं किसी अपनी ज़िंदगी में किसी औरत के लिए, बट कैन यू टेल दिस गाय कि हम यहाँ पहले से खड़े थे, पहले ये हमें देख ले. कुछ भी ऐसा, शी स्टिल वुड हैव मेड दैट पॉइंट स्टूड आउट इन हिज आईज एंड वो आगे जाके जो जस्टिफाई होना था. और मे बी इवन बेटर, समथिंग इवन बेटर, मैं तो एक रैंडम बात करी हूँ, इससे भी यहाँ मुझे थोड़ा सा एक सेकेंड के लिए नीचे में आई एंड आई सेड ये तो गलत हो गया. मुझे यहाँ पे लग रहा था कि इस सीन को बनाया जा सकता था कि वही जो था कि वो कहती कि मैं लेट हो रही हूँ जल्दी कर दें. हाँ? वो कहते कि बस ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा इनको लेना है. वो सिर्फ आती है, वो कहती है कि ये वाला ज्यादा अच्छा है, बस ये कह के चली जाती है. कुछ दैट आल्सो मेबी दैट आल्सो वो देखता है. अच्छा वो कहता है यार यही दे दे. वो दुकानदार से तो तीन दफा बात कर चुकी थी ना, उसने नहीं सुना था. वो बार-बार कह रही थी दुकानदार से बात करता ही नहीं था. वो नहीं उनको, उसको लग रहा था वो ज्यादा मालदार, थोड़ा बदतमीजी टाइप लग रहा था, बस ऐसा भी. और चलो हम मान लेते हैं कि उसको लग रहा था कि वो मालदार असामी है तो उसको ज्यादा टेंशन उसको देनी है, मगर हमारी हीरोइन ने जो लाइन क्रॉस की वो अनजस्टिफाइड थी. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैड, मुझे कुछ गलत नहीं लगा. आई एम लाइकिंग दिस सस्पेंस बिट दैट्स कमिंग, हुक कि ये बच्चा क्यों है, ये पिता क्यों है, ये क्या हुआ है. आई थिंक द राइटिंग वुड बी डेफिनेटली अ 7.
बट वो ब्रूज था, ब्रूज होता है उसके ऊपर ना पट्टी लगती है दो दिन के बाद ना, और उसके खुला जख्म नहीं था, नहीं है उसको जख्म कहते भी नहीं है, तो बहुत खूबसूरत बना था मगर गलत चीज बन गई थी, वहां जख्म बना हुआ होना चाहिए था क्योंकि इतनी बड़ी पट्टी लगाई फिर हिबा ने उस पर, है ना, ब्रूज पे कोई पट्टी नहीं लगती, लगती ही नहीं है। सो वहां डायरेक्टर ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। फिर एक जगह थी जहाँ वो हमारा दूसरा हीरो है उसकी एंट्री आनी थी, तो पहली एंट्री आई उसकी जब माँ का फोन आना था, तो वो पैर से शुरू हुई फिर पीठ पे गई, वो एक जर्मनी हिप मूवमेंट फनी सी आई, फिर उसके बाद वो टर्न हुआ और फिर उसने बात की, फिर जब वो पाकिस्तान आ गया फिर यही सब कुछ फिर पैर दिखाए, ये फिर हिप दिखाए, फिल्मी फिर बैक दिखाई, इतनी कोई मल्टीपल एंट्रीज। अरसलान नसीर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज वीडियो लॉग्स, ये बनाता था, ही सो फनी, और ये हमेशा ऐसी चीजों का मजाक उड़ाता था जब ही यूज्ड टू लाइक डू थिंक एड्स ऐसे बनाने चाहिए, एड ऐसे बनाए, सलमान अब खुद आप ड्रामों में हो, आप इस वक्त उन्होंने कहा अरसलान की क्या कर रहे हो, अरसलान ने कहा फुटेज, अरे आप रोक सकते हो फुटेज, जरा मुझे हीरो दिखाएं, मुझे ऐसा तीन दफा एंट्री, और एक्चुअली अरसलान शुड हैव सेड भाई तुम मेरे पैरों का शॉट वहां पे जर्मनी या जो भी कोई लंदन जगह थी वहां ले चुके हो, मेरी बैक ले चुके हो, बाकू व्हाटएवर, तुम दोबारा क्यों ले रहे हो, बट अरसलान ने कहा कोई बात नहीं, अब मेरा टाइम आया है, आने दो, अब मेरा टाइम आया है। आई लव द मूवमेंट्स, आई लव द शॉट्स, द स्क्रीन, एवरीथिंग, बस ये छोटी छोटी जगह हैं जिनको क्रॉस करना जरूरी है, क्योंकि हम वही बात है मरीना वाली कि हम परफेक्शन शायद ला तो ना सकें, बट वी कैन, ये बहुत स्मॉल कोशिश कर सकते, ये डूएबल है, ये कर सकते, बाकी ड्रामा बहुत अच्छा है। सो 7 अगर राइटिंग थी तो 6 है डायरेक्शन, है ना, दो बहनें एक बाप, सब एक तरफ एक जैसी बातें कर रहे हैं, और ये अकेली है जो एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रही है। सो वेल कास्ट, वेरी वेल एक्टेड, वो बच्चा जो कि लाइब्रेरी में असिस्टेंट है, एक लाइब्रेरी सी बना, वो लाइब्रेरी बुक शॉप में जो बच्चा है, जो जिससे के जाके पूछता है मेरा रजिस्टर तो नहीं रह गया, और उससे पहले भी वो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, इंस्टेंट पहली दफ़ा वो बच्चा आया है और उसने एकदम से अटेंशन ग्रैब की है। सो हिम ऑल्सो आई एम लाइकिंग अस्मा अलॉट, हिबा की फ्रेशनेस मुझे फील हो रही है, और मुझे लग रहा है कि हिबा को स्क्रिप्ट बहुत मज़े का लगा है, एंड शी इज़ ट्राइंग टू गिव इट हर ऑल, एंड आई होप इट स्टेज लाइक दैट। सो गुड लक टू यू गर्ल, आई विल सी व्हाट आई हैव गिवन यू। Yeah, I have given her a 6. 6. Good job. तारीफों के बाद 6 नंबर. Good job. अभी अभी बहुत कुछ आया नहीं ना करने को. एक जगह आई थी जो कि बदली जा सकती थी, मगर उसने शायद सोचा कि राइटर बहुत बड़ी है तो मैं नहीं बदलती ज्वेलरी शॉप. So she didn't change that जगह. So वो जगह नीचे गई है, आपको भी लेके गई है, राइटिंग को भी लेके गई है, डायरेक्टर को भी लेके गई है, तीनों को लेके गई है नीचे. चले महीना जी, I was thinking of something and I've totally forgotten. मैं इतना बोल रही हूँ इसलिए. नहीं नहीं मैं और मैं कहती हूँ कि अच्छा हाँ ये पॉइंट मुझे याद रखें. मैं नहीं मैं बिकॉज आई गेट इन्वॉल्व इन व्हाट यू ऑल आर सेइंग. आई गेट टू आई गेट टोटली साइड ट्रैक. बट नॉट बैड. आई मीन मच बेटर देन द लास्ट प्ले दैट वी सॉ. हर लुक इज वेरी